हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बार बार आपको कमेंट आता है कि यहाँ से जो कुर्ती होती है टाइट हो जाती है जहाँ हिप होती है यहाँ पे तो यहाँ से क्या होता है कि कुर्ती टाइट हो जाती है इसको किस तरीके से लूज़ किया जाता है वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं नॉर्मली क्या होता है कि सीने से कुर्ती क्या होती है कि आसानी से हम लूज़ कर सकते हैं ये देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मार्जिन होता है हमारा ये देखिए ये हम इस तरीके से मार्जिन रखते हैं एक या सवा एक या कोई कोई डेढ़ इंच का मार्जिन रखते हैं यहाँ से क्या होता है कि ये जो है वो मार्जिन नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो इसमें कुर्ती में खींचा आने लगता है ये देखिए इसे बहुत कम जो मार्जिन है रहता है यहाँ ज़्यादा रखोगे तो यहाँ पे मंजिल नहीं लगेगी यहाँ पे जो कुर्ती है यहाँ पे सलवटे पड़ेगी इस कारण से इसमें मार्जिन नहीं रखा जाता है तो जब इसकी कटिंग करते हैं और इसका जो बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से भी हमें का नाप लेना चाहिए जो छोटा नाप होता है जो सीना कम होता है उनके तो ये जरूरत नहीं होती जो हैवी चेस्ट होता है उनका क्या सीना कम होता है और यहाँ से हेप से वो ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हैं सीने के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाप का मार्किंग कर लेते हैं तो बाद में यहाँ से टाइट होती है तो ये हमें ध्यान रखना जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो इसकी जितना हमारा सीना हो उस जितनी हमें हेप हो उसमें तीन इंच जॉइंट कर तीन इंच जोड़ के हमें इसकी कटिंग करनी है ये हमें जैसे हम सीने में जोड़ते हैं उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है ये हम जरूर ध्यान रखें और बात की जाए इसमें बाद में इसमें बनने के बाद में इसको लूजिंग कैसे करें तो बनने के बाद में ये लूजिंग नहीं होगा ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है लूजिंग करने है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत पड़ जाएगी यहाँ से खोलने की मगजी और बाकी यहाँ पे मार्जिन नहीं होता तो सेट नहीं होता है और मार्जिन रखेंगे तो भी इसमें शलवर की प्रॉब्लम रहेगी तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी आप बॉडी मेजर ले रहे हैं और आपके पास बॉडी मेजर है या फिर आप कस्टमर को पूछ सकते हैं यहाँ से टाइट है लूज है तो कपड़ों का नाप लेके आप कटिंग कर सकते जैसे कि ये हमारा फर्मा है इसमें देखिए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग किया हुआ है तो जैसे कि आपका सीना है उसके अकॉर्डिंग हम रख देना जैसे यहाँ पे हमारा बयालीस सीने की जो फरमा है तो इसमें हमने रखा है वो साढ़ा ग्यारह इंच रखा है और यहाँ से हमने रखा है साढ़ा ग्यारह इंच और यहाँ से यानी रखा है ग्यारह इंच रखा क्योंकि ये चीज़ वो ज़्यादा हो जाती है इस कारण से नीचे से घेर में आप हेवी चेस्ट में खास तौर से यहाँ से आदमी इंच डाउन करना होता है और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं जैसे सीने का लिया जैसे कि ये सीने का नाप हो गया गोलाई में ये देखिए इस तरीके से गोला से नाप हो गया इसके बाद में यहाँ पे हमारी कमर होगी इसके बाद में यहाँ पे हमारा पेपर आ गया तो का नाप लेना जैसे कि यहाँ पे बयालीस सीना है और उसका जो का नाप आ रहा है वो हमारा तयलीस से छालीस आ रहा है तो छमालीस प्लस तीन बराबर होते सैंतालीस और सैंतालीस का वन फोर्थ रख देना है जैसे कि अड़तालीस का होता है बारह इंच तो थोड़ा सा कम रख देंगे तो ये जो है वो सेट हो जाएगा और यहाँ से कम रखोगे तो यहाँ से टाइट होगी बाद में प्रॉब्लम आएगी तो ये हमें ध्यान रखना है जितना हमारा सीना होता है उसमें हमें जॉइंट कर देना है ये हमें ध्यान रखना है तो जब भी आप कटिंग करें तो ये बहुत ध्यान रखें जैसे कि ये हमारी कुर्ती है तो इसमें हमें कट करना है इसमें जैसे कि ये हमारा तैंतीस इंच के अकॉर्डिंग ये कुर्ती कटिंग किया हुआ है जैसे कि ये हमारा तैतीस इंच है इसका और यहाँ पे इसमें कमर लगभग तीस इंच आएगी और का जैसे कि नाप है चौंतीस या फिर पैंतीस है तो उसमें आपको क्या करना है सिंपली इसमें तीन इंच ऐड कर देना है ये हमें ध्यान रखना है तो ये फार्मूला में ध्यान रखना है जैसे कि हमें यहाँ पर चौकट का निशान लगा रहे हैं तो जैसे यहाँ पे ऊपर से मैं अठारह इंच पे निशान लगा देता हूँ इसके बाद हमें क्या करना है जैसे कि आपकी का नाप है वो चौंतीस इंच है तो चौतीस का चौंतीस प्लस तीन बराबर होता है 37 इंच सैंतीस का वन फॉर्थ होता है वो सवा नौ इंच आता है इस प्रकाश रख देना है और नीचे से हमें क्या करना है नौ ही रखना है ज़्यादा नहीं रखना है ये हमें ध्यान रखना है और हैवी चेस्ट है तो आप आधा इंच कम कर सकते हैं और नॉर्मल नाप है तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं इस तरीके से रह गया और इससे ज़्यादा सीना है तो उसके अकॉर्डिंग आप वन फोर्थ कर देना है ये हमें ध्यान रखना है इसके बाद में जो कमर का शेप है वो सीने के अकॉर्डिंग कमर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हमें ले लेना है इसका बीस सेंटर में ये कमर होती है इस प्रकार से हमें रखना है तो जैसे आपका हैवी चेस्ट है तो उसमें आप यहाँ से आधा इंच डाउन कर सकते हैं जैसे सीना होता है उससे आप आधा इंच डाउन कर सकते हैं और हेप का नाप होता है उससे हमें तीन इंच ज़्यादा जरूर रखना है खास तौर से जो बड़ा नाप होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है तो बाद में बनाने के बाद में यहाँ से टाइट हो जाती है तो जब भी आप कटिंग कर रहे तो यहाँ से ज़रूर नाप ले इस तरीके से हमें ध्यान रखना है इसके बाद हमें क्या करना है इसकी कटिंग कर लेनी है और कई कई यहाँ पर जो मार्जिन है वो ज़्यादा रखते हैं तो आप चाहे तो इसका मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हैं परंतु तो ये काम नहीं आता है ये कई के कहता रखते हैं और ऐसे हमारे कमर की सेब लेनी है देखिए इस प्रकार से आप रख सकते हैं तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग